नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आज देश की राजधानी दिल्ली में एक विशाल हिंदू धर्म सभा का आयोजन किया गया और यह आयोजन इसलिए हुआ कि राम मंदिर के बनाने के विषय में सरकार पर कानून बनाने के लिए दबाव डाला जा सके, सरकार को बाध्य किया जा सके कानून बनाने के लिए। तो इस धर्म सभा में जो है हम भी पहुंचे और हमने भी जो है वहां पर ग्राउंड पे स्थिति क्या है, लोग कहां से आए हैं, क्यों आए हैं, कौन उनको लेके आया है, क्या उनका मकसद है, किस पर्पज से, किस उद्देश्य से वो आए हैं, यही सब जानने की कोशिश की। और राम मंदिर को लेकर के उनकी क्या राय है, राम मंदिर के विषय में सरकार पर को वो क्या कहना चाहते हैं, इन्हीं सारी बातों को लेकर, इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के हम ग्राउंड पे पहुंचे, रामलीला मैदान में पहुंचे। तो रामलीला मैदान में हम जो पहुंचे तो देखिए आपको अभी हम दिखाएंगे कि उस उधर जो रामलीला मैदान में जब हम पहुंचे तो वहां पे बजरंग दल के एक जो है नेता थे वहां पर, और वो नेताजी जो है अपने साथ में कुछ बच्चों की भीड़ भी लेके आए थे और उन बच्चों को जो है वहाँ पर रैली में लेके आया गया। और उन बच्चों से जब हमने पूछा तो वो बच्चे जो है वो कोई आठवीं कक्षा में है, कोई दसवीं कक्षा में है, कोई छठी कक्षा में है। तो आप बताइए कि ये जो छठी कक्षा का बच्चा है, जो आठवीं कक्षा का बच्चा है या जो दसवीं कक्षा का बच्चा है, वो रैली में आने के लिए उसको झंडा थमाना जरूरी है या फिर उसके हाथ में किताब देना जरूरी है? पहले आप ये वीडियो देखिए और क्या कुछ हुआ इसमें, और जब बजरंग दल के हमने लोगों से पूछा तो उन्होंने प्रतिक्रिया में हमसे क्या कहा, ये वीडियो देखिए और फिर उसके बाद में आगे बात करते हैं। आपकी कितनी उम्र है? 16। कहाँ से आए आप? बीवी नगर से, बुलंदशहर से। बुलंदशहर से किसके साथ आए हैं? आपके साथ है। आपकी कितनी उम्र है? जी 16। 16 साल है। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? 10th में। आप भी ये विशाल हिंदू धर्म सभा में आए हैं? यस। अच्छा, कौन लेके आया आपको? तन्नू भाई। तन्नू शर्मा भाई। कौन लेके आया? तन्नू शर्मा। तन्नू शर्मा जी, जी क्या कहा आपसे कि किस लिए चलना है? जी हिंदू परिषद के लिए। अच्छा, तो क्या क्या आपने सुना यहाँ पे, आराम से बताइए जी। आपने सुना यहाँ पे, क्या समझ में आया आपको? जी अभी तक तो अंदर नहीं जा पाए। अंदर नहीं जा पाए? भीड़ बहुत थी जी। आप किसके साथ आए हैं? तनु शर्मा। आप भी तनु? ये तनु शर्मा जी कौन है? आप ही है जी। मेरा नाम तनु शर्मा है और मैं बजरंग दल से प्रखंड संयोजक हूँ। अच्छा, तो आपको नहीं लगता कि इन बच्चों की जगह जो है इस धर्म सभा की बजाय स्कूल में होनी चाहिए थी? बिल्कुल होनी चाहिए थी, लेकिन आपको ये भी तो ध्यान होना चाहिए कि आज रविवार है। रविवार को हमारे देश में रविवार और सोमवार की बात यह है कि इन बच्चों को जो है अभी इनके हाथ में जो है किताब होनी चाहिए, आप झंडा दे रहे हैं, इनके गले में जो है ये दे रहे हैं, ये कहाँ तक हो? तो क्या आप हमसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं, आप उस छोटे से 2 साल के बच्चे से क्यों नहीं कहते जो गोल टोपी लगाकर घूमते हैं? आप इस 16 साल के बच्चे जवाब कर रहे हैं, क्यों नहीं हो सकता? क्या ये हिंदू धर्म में पैदा नहीं हुआ? अच्छा, हमारा एक नारा है, बच्चा बच्चा राम का, मातृभूमि के काम का। हम इस मातृभूमि के लिए शहीद भी हो सकते हैं। आपने भी संघ को पढ़ा नहीं है? संघ को देखा तो आपने होगा, मीडिया आपने वहाँ कवरेज भी किया होगा, केरल में संघ ने कितनी अधिक सहायता की है। हम स्वयं सेवक हम वहां जाकर खड़े हो जाते हैं जहां पर आर्मी खड़ी होती है। हम आर्मी को भी सहयोग करते हैं और आर्मी भी हमारा सम्मान करती है और हम आर्मी का सम्मान करते हैं। और हम मातृभूमि के लिए अपना लहू बहाने के लिए दिन प्रतिदिन मिनट मिनट तैयार रहते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो आपने देखा, जब हमने बजरंग दल के नेता से इस विषय में बात की कि इन बच्चों को जो है किताब जरूरी है या झंडा जरूरी है, तो वो जो है हमें हमसे जो है किस प्रकार से लड़ने लगे। खैर, ये अकेला ऐसा वाक्य नहीं है, इसके बाद में जो है हमने कुछ और लोगों से बात की और एक और वीडियो आपको दिखाएंगे। और इस वीडियो में आप देखिए कि एक युवक जो है वहाँ पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहा था, और जब हमने पूछा कि राम मंदिर बनने ना बनने के विषय में पाकिस्तान का क्या रोल है, आप यहाँ पर जो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं इसका जो है राम मंदिर से जो है क्या संबंध है, तो देखिए उस जनाब के जो है वो क्या तर्क थे। आप ये वीडियो देखिए फिर आगे बात करते हैं। आप अभी नारा लगा रहे थे कि पाकिस्तान मुर्दाबाद। बिल्कुल। पाकिस्तान का खेल रोल क्या है ये मंदिर बनाने में ना बनाने में? सर रोल देखिए सर, हमारा जो रोल है, हम इन लोगों से कोई हमारी कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। किससे? हमने जो भी है मुसलमान है
पाकिस्तान वाले जो भी हैं, हमारा कोई झगड़ा नहीं है। जो मुसलमान है वो हिंदुस्तान का है। नहीं नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं, देखो हम लोगों मेरा सवाल एक बार फिर सुन लीजिए। आप पाकिस्तान मुर्दाबाद का जो नारा लगा रहे थे, तो आप ये बताइए कि पाकिस्तान का क्या रोल है मंदिर बनाने में और ना बनाने में? पाकिस्तान का ये रोल है, पाकिस्तान का जो रोल है, सुनो सुनो, जो पाकिस्तान का रोल है वो हम नहीं देख रहे। आप लोग भी उस रोल को देख चुके हैं यहाँ पे कि पाकिस्तान क्या रोल दिखा रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, आप सब देख रहे हैं। और हमारी एक इच्छा है, हमारी एक तमन्ना है, हमारी इच्छा है कि पाकिस्तान एक बार हमारे पास आ जाए, हम उसको दिखा देंगे। ओवैसी के भाई अकरम उद्दीन ने बोला कि अगर तुम के अंदर पावर है तो हमारे पास देखो, आज उसको हम दिखाते हैं 2 करोड़ हम। तो हंसी आती है ऐसे लोगों को सुन करके और ऐसे लोगों के साथ उन बातचीत करके कि हमारे देश में जो है किस तरह से जो है अलग अलग मानसिकता के लोग रहते हैं, और एक मानसिकता जो है वो स्थापित कर दी गई है कि मुस्लिम यानी कि पाकिस्तान। और ये बात जो है, जो हम वहाँ पे ग्राउंड पे बात कर रहे थे, ये बात यहीं पे नहीं ठहरी। इसके बाद में आप देखिए कि एक युवक जो है वो रैली में आया हुआ था, धर्मसभा में आया हुआ था, उसने कहा कि जितने भी मुस्लिम संगठन हैं उनको पाकिस्तान फंड करता है। और जब हमने उसको कुरेद कर पूछना शुरू किया तो उसने कहा कि जो अयोध्या के मुस्लिम पक्षकार हैं उनको जो है मुस्लिम फंड करता है। आप ये वीडियो देखिए कि वो ये युवक जो है किस तरह से ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जितने भी मुस्लिम संगठन है उनको पाकिस्तान संगठन जो है वो फंड करता है। आप वीडियो देखिए फिर आगे बात करते हैं। बोलिए, अंतरराष्ट्रीय जितने मुस्लिम संगठन हैं सबको पाकिस्तान फंडिंग करता है, और जो संगठन को मुस्लिम संगठनों को जो बाबरी मस्जिद में मतलब उसमें राम मंदिर को बनाने में रोक लगा रहे हैं। सरकार कहाँ है? सरकार क्यों सो रही है? बैकफुट पे है। आप ये कह रहे हैं सरकार बैकफुट पे है? नहीं, सुनिए मेरा सवाल सुनिए जी। अगर आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम संगठन जो है उनको जो है पाकिस्तान फंड करता है जी, सभी मुस्लिम संगठनों को बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं, आपने जो जो बाबरी मस्जिद का पक्ष कर रहे हैं सभी के लिए नहीं, केवल पाकिस्तान। बाबरी मस्जिद का जो पक्ष ले रहे हैं उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो फंड कर रहा है। हाँ। तो एक बात बताइए, सरकार जो है पूर्ण बहुमत की सरकार, अब बीजेपी की सरकार जो है मोदी सरकार जी, वो अब केंद्र में सत्ता में है जी, सरकार अभी कहाँ है? हाँ, सरकार कहाँ है? सरकार सिर्फ सरकार नहीं है, सरकार कोर्ट के फैसले पर नहीं है, सरकार 19 के चुनाव में है, वो सिर्फ अपने 19 के चुनाव को अच्छा। आपके पास ये जानकारी कहाँ से आई है कि जो मुस्लिम संगठन है उनको पाकिस्तान फंड करता है? आपके पास ये जानकारी कहाँ से? जानकारी क्यों नहीं है बताइए आप, कहाँ से आ रहा है उनके पास इतना पैसा, कहाँ में इतना विरोध कर रहे, जबकि हमारे राम जन्म भूमि है, सबको पता है कि तस्वीर लगाई जाती है। हाँ नहीं नहीं, सुन, फंडिंग ही नहीं समझे किसी, क्योंकि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लगते हैं उनके हर संगठन के सारी रैलियों में जितने भी? मैं एक मिनट रुकूंगा। आपका जो जानकारी का सोर्स है, आपको जो जानकारी मिली है कि जो मुस्लिम संगठन है उनको जो है पाकिस्तान फंड करता है, ये जानकारी आपको कहाँ से मिली? मैं बताता हूँ भाई साहब कहाँ से मिली। मैं बताया तो ना आपको इस चीज में, कहाँ से आ रहा हूँ उनके पास पैसा, क्यों इतना विरोध करे जबकि हमारी जन्मभूमि राम जन्मभूमि है, और हमारी राम जन्म जानकारी कहाँ से मिली वो बताइए ना, क्योंकि आपसे मिल रही, आपसे मिल रही, मीडिया से मिल रही, और कहाँ से मिल रही? मीडिया ने बताया आपको? कौन से मीडिया ने बताया कि उनको संगठन? क्योंकि सोशल मीडिया पे दुनिया भर में, दरअसल देश में जो है अब मानसिकता लोगों की बदली जा रही है, और लोगों को जो है अलग अलग तरीके से, जब हमने इस युवक से जो वीडियो आपने अभी देखी है, इस युवक से पूछने की कोशिश की कि आपको ये जानकारी कहां से मिली है, तो वो कुछ बता नहीं पाया। और आखिरी में फिर जो उसके जो आसपास के जो लोग खड़े थे वही उसकी कानाफूसी करते रहे कि आप कहिए कि मीडिया को, आप मीडिया को ब्लेम कर दीजिए। दरअसल ये जो जानकारी है ये सारी की सारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू फैलाई जा रही है, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू जो है ये फेक न्यूज़ फैलाई जाती है, और उस फेक न्यूज़ की वजह से देश की जो जनता है, आम जनता है, उसके मन में कितना बड़ा जो जहर है, कितना ज़्यादा जहर जो है वो फैलाया जा रहा है, आपको ये वीडियो देख करके खूब आसानी से आप समझ सकते हैं। इकबाल अंसारी, आपको बता दें, मैं इकबाल अंसारी का काफ़ी बार मैंने इंटरव्यू किया है, आप चैनल पे भी देख सकते हैं। इकबाल अंसारी जो कि बाबरी मस्जिद में जो है मुस्लिम पक्षकार हैं वहाँ पर, वो योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करते हैं, वो बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं। अभी जब 25 तारीख को वहाँ पर धर्मसभा का आयोजन किया गया, उस समय भी जो है हमने इकबाल अंसारी से वहाँ पर चर्चा की थी कि यहाँ पर यह आयोजन हुआ, इतनी संख्या में लोग जुटे, आप क्या कहेंगे? तो इकबाल अंसारी का सीधा सीधा जवाब था कि हम योगी आदित्यनाथ की जो है मैं आज यहाँ पर प्रशंसा करना चाहूँगा कि उन्होंने जो है यहाँ पर कानून को मेंटेन करके रखा, और इतने लोग आए और शांति से आए और शांति से चले गए, वहाँ पर स्थिति बिगड़ने नहीं दी गई। तो जो जो मुस्लिम पक्षकार हैं या मुस्लिम संगठन
धर्म के जो लोग हैं वो तमाम लोग जो हैं वो इस तरह की भावना नहीं रखते हैं, जबकि उनके बारे में इस तरह की भावनाएं जो हैं वो प्रचारित की जाती हैं। एक बेरोजगार आदमी, आपको ये वीडियो देख करके पूरा समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो है एक धर्म के नाम पर लोगों को जो है इकट्ठा करके और एक अलग दिशा में जो है उनको मोड़ने की कोशिश की जा रही है। बात जो राम मंदिर है, राम मंदिर से किसी को भी आपत्ति नहीं है और राम मंदिर से किसी को आपत्ति हो भी क्यों सकती है। एक धर्म का विषय है, एक सवाल है, एक धर्म का आस्था का सवाल है और किसी की आस्था से किसी को आपत्ति भला क्यों होनी चाहिए, और भारत जैसे देश में तो कतई नहीं। लेकिन राम मंदिर के नाम पर पूरी की पूरी जो एक बेरोजगार की जो भीड़ है उसको डाइवर्ट कर दिया गया है, उसको जो है वो भीड़ ये नहीं पूछ रही है, अब उसके माइंड में बिल्कुल पूरी तरह से ये आ गया है। अगर उस भीड़ से हम सवाल पूछते हैं कि आप रोजगार को लेकर के सवाल क्यों नहीं पूछते हैं, आप विकास को लेकर के सवाल नहीं क्यों नहीं पूछते हैं, तो भीड़ हमें उल्टा ये कहती है कि पहले मंदिर, फिर उसके बाद में विकास, फिर उसके बाद में डेवलपमेंट, फिर उसके बाद में बेरोजगार, फिर रोजगार पे बात करेंगे। आप ये वीडियो देखी छोटी सी, इस वीडियो में हमने लोगों से बात की कि अगर यूथ को क्या चाहिए, डेवलपमेंट वर्सेस राम मंदिर, तो यूथ को क्या चाहिए, जिसमें ये युवक जो है वो अपनी बात किस तरह से रख रहा है, पहले वीडियो देखिए फिर इसके बाद में आगे बात बताते हैं आपको। कहाँ से आए आप? हम बुलंदशहर जिले के हैं, शाहना से आए। पढ़ाई करते हैं कि नौकरी करते हैं? हम जी पढ़ाई करते हैं, 12th क्लास में है। तो आपको एक बात होती है लगातार कि यूथ को क्या चाहिए, डेवलपमेंट या राम मंदिर, तो आपका क्या कहना है? हमको सिर्फ राम मंदिर चाहिए जो हमारे पहले से ही है, एक हिंदू की आवाज नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की आवाज है, सिर्फ हमें राम मंदिर चाहिए। इसको हम लोग आवाज उठती है बार बार कि यूथ को क्या चाहिए, डेवलपमेंट या राम मंदिर, तो आपका क्या कहना है? हमारी हमें राम मंदिर चाहिए बस, अपना डेवलपमेंट नहीं, डेवलपमेंट तो अपने आप होता रहेगा, जब राम मंदिर बनेगा तो डेवलपमेंट भी हो जाएगा। यूथ को मैं कहना चाहता हूँ, ये यूथ को मैं ये कहना चाहता हूँ, डेवलपमेंट की प्राथमिक श्रेणी राम मंदिर है, राम मंदिर है तो सपोर्ट। मैं ये कहना चाहता हूँ राम मंदिर है। आप क्या काम पढ़ाई करते हैं, क्या आपकी कौन सी कक्षा में? 9th में। आप भी बुलंदशहर से आए हैं? हाँ जी। आपने देखा कि इस युवक से जब हमने सवाल किया कि युवक क्या चाहता है, युवा क्या चाहता है, क्या उसको रोजगार चाहिए, मंदिर चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, क्या चाहिए, तो इस युवा का कहना है, साफ स्पष्ट तौर पे कहना है कि उसको जो है पहले राम मंदिर चाहिए, डेवलपमेंट उसके बाद होगा। तो आप देख सकते हैं, और मैंने व्यक्तिगत तौर पे जो है अयोध्या से काफ़ी रिपोर्टिंग की है, और अयोध्या में मैं काफ़ी बार मैंने यात्राएं की हैं, विजिट की है, और अयोध्या के लोग जो है वो इस बात से सहमत जरूर होंगे कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बना है, लेकिन आज़ादी के इतना समय बीतने के बाद में भी वहाँ पर विकास नाम की चीज़ नहीं है। अभी जो है योगी आदित्यनाथ ने फैजाबाद का नाम बदल करके अयोध्या जरूर कर दिया है, फैजाबाद जो जनपद था वो अयोध्या के नाम से जरूर जाना जाएगा, लेकिन अगर वहाँ विकास की बात करें तो अलग अलग पार्टीज़ की सरकार रही, हम किसी एक सरकार को यहाँ पर ब्लेम नहीं करेंगे, अलग अलग पार्टीज की सरकार रही, लेकिन वहां पर विकास के नाम पर वो चीजें नहीं है। तो ये सारी बातें थी जो लगा कि हमें आपको आपके सामने आना चाहिए और आपके सामने आके इनको जो है बताना चाहिए। हम चाहते तो इन सारी वीडियोस को मर्ज करके एक वीडियो में आपको दिखा सकते थे, लेकिन जो एक पर्सपेक्टिव है जो हम आपको बताना चाह रहे थे उसके लिए हमें लगा कि आपको आपके सामने जो है आना जरूरी है, तो इसीलिए जो है हम आपके सामने आए हैं। अपने विचार जो है, अपने आइडियाज जो है वो जरूर बताएं हमें, क्योंकि आपकी राय जो है वो आपके हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसी से जो हमें प्रेरणा मिलती है, कोई काम करने के लिए हिम्मत मिलता है, हौसला मिलता है, और उसी की आप ही के लिए जो है हम ग्राउंड पे पहुंचते हैं और आपके लिए अच्छी से अच्छी खबरें जो है वो निकालने की कोशिश करते हैं, वो खबरें निकालने की कोशिश करते हैं जो मीडिया ने छोड़ दी है, जो मीडिया आपको नहीं दिखा रहा है वो चीज़ें जो है हम आपको ला करके दिखाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल आपको हमारी ये कोशिशें कैसी लगती हैं नीचे कमेंट बॉक्स के जरिए हमें अपनी राय जरूर दें। आप चैनल को लगातार देखते रहें, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अपना सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपने विचार, अपने आइडियाज जो हैं अपने कमेंट बॉक्स के जरिए हमें लगातार पहुँचाते रहें। धन्यवाद।